तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे माइकल एडिसन रिएक्शन के बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं माइकल एडिसन रिएक्शन के बारे में। माइकल एडिसन रिएक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के लेक्चर में। अगर मैं बात करूं माइकल एडिसन रिएक्शन का, तो माइकल एडिसन रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि एक आपका माइकल एक्सेप्टर होगा, माइकल एक्सेप्टर होगा, और आपका एक माइकल डोनर होगा, माइकल डोनर। इस टाइप माइकल एडिसन रिएक्शन में आपको एक माइकल एक्सेप्टर देखने को मिलेगा और एक आपका माइकल डोनर देखने को मिलेगा। माइकल एक्सेप्टर और माइकल डोनर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। माइकल एक्सेप्टर के तौर पे आपको क्या क्या यहाँ पे हो सकता है? तो माइकल एक्सेप्टर के तौर पे आपका कोई अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड आपको देखने को मिल सकता है, और माइकल डोनर के तौर पे आपको इनोलेट देखने को मिल सकता है, इनोलेट। ठीक है, माइकल एक्सेप्टर के तौर पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड देखने को आपको मिलेगा, और माइकल डोनर के केस में आपको माइकल डोनर के तौर पर इनोलेट देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, तो ये जैसे आपका यहाँ पे मान लो किसी किसी तरीके से आपका किसी वजह से आपका कंपाउंड इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और इस कार्बन के इस का ये जो कार्बन है आपका, एक कार्बन आपका कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब बात करोगे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, यह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे कौन कौन हो सकता है? तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे आपका कोई एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कोई आपका कीटोन ग्रुप हो सकता है, कोई आपका एसिड हैलाइड ग्रुप हो सकता है, या या आपका कोई इस तरीके का सिस्टम हो सकता है यहाँ पे। ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे हो सकते हैं, आपका एमाइड कोई हो गया या एईटीसी, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे यहाँ पे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए नजर आ सकते हैं। ये सारे आपके जो ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे आपको जुड़े हुए नजर आएंगे। और इनोलेट, तो इनोलेट तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो आपका माइकल एडिसन रिएक्शन में क्या होगा, आपका एक माइकल एक्सेप्टर होगा और एक माइकल आपका डोनर होगा। माइकल डोनर के तौर पे कोई इनोलेट होगा और माइकल एक्सेप्टर के तौर पे आपका कोई अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा, जिसमें आपका यहाँ पे देखोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन है तो उसको हम बोलेंगे अल्फा, और इस वाली पोजिशन को मैं बोलूंगा बीटा। तो यहाँ पे हो गया अल्फा बीटा, अल्फा बीटा के बीच में क्या है आपका डबल बॉन्ड है, यानी अनसेचुरेशन है, तो हम इसे बोलेंगे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के तौर पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप या एसिड हैलाइड ग्रुप या कोई आपका यहाँ पे इस तरीके का सिस्टम हो सकता है, या आपका कोई एमाइड ग्रुप हो सकता है। अब यहाँ पे देखोगे, आप जानते हो कि इनोलेट में आपका जो
कार्बन होता है, कार्बन सेंटर जो होता है इनोलेट में, कार्बन सेंटर आपका सॉफ्ट सेंटर होता है। सॉफ्ट सेंटर, इस चीज को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनोलेट में जो कार्बन सेंटर होता है वह आपका सॉफ्ट सेंटर होता है। अब सपोज दैट आपका सपोज दैट आपका, सपोज दैट आपका कोई आपका अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, आपका इस तरीके का आपका कोई अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, किसी वजह से आपका जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वह ए है। अब ये देखोगे ये आपका एक इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है, ये जो आपका ग्रुप है एक ग्रुप आपका एक इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है। अब इस इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप के, ये जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है यह जिस कार्बन से जुड़ा होगा इसे हम बोलेंगे अल्फा, और इस पोजिशन को हम बोलेंगे बीटा। तो हमारा ए हो गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर मैं बात करूं ये जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन, जो कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है यहाँ पे, जो कार्बन आपका डबल बॉन्ड के थ्रू इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसमें अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज और इसको आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। आप इस अगर पाई बॉन्ड को मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूं तो आपका ये जो पाई बॉन्ड होगा वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और कार्बन कैसा हो जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये मैं यहाँ पे, ये देखो ए वाला स्ट्रक्चर और ए वाला स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या है आपके, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो मैं यहाँ पे इस कंपाउंड का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। तो अगर मैं ड्रा करूंगा यहाँ पे आपका बनेगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका क्रिएट हो रहा है। तो अगर मैं इसका हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तो हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे देखोगे आपका तो आपका पॉजिटिव चार्ज कभी इस सेंटर पे है और कभी इस सेंटर पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपका क्या कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक आपका अगर मैं इसका हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा तो मेरा कुछ इस तरीके का आपका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, इस तरीके का बनेगा। अब अगर बात करोगे तो ये जो सेंटर होगा इस सेंटर पे कैसा चार्ज होगा आपका, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और इस सेंटर पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा आपका, ठीक है। कैसा होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ये आपका स्ट्रक्चर एक रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये आपका है रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो आपका सेंटर होगा, ये सेंटर आपका, ये जो सेंटर होगा यहाँ पे, ये सेंटर आपका ऑर्बिटल इंट्रैक्शन शो करेगा, ऑर्बिटल इंट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। और ये जो सेंटर होगा आपका, ये सेंटर आपका ये सेंटर आपका यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो आपका सेंटर होगा ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और ये सेंटर आपका हार्ड सेंटर होगा। ये वाला सेंटर आपका सॉफ्ट सेंटर होता है और ये वाला सेंटर आपका हार्ड सेंटर होता है,
हॉट सेंटर ए जो होगा आपका हॉट सेंटर, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन शो करता है, इंटरेक्शन शो करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन शो करेगा। अब मान लो कि आपका किसी वजह से आपका कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का आपका क्या है, कोई कंपाउंड है और इस कंपाउंड को हम लोग ट्रीट करवा रहे हैं विथ सोडियम इथोक्साइड। तो चूंकि सोडियम इथोक्साइड एक बेस है, तो बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो ये जो आपका इथोक्साइड आयन होगा यह क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन आपका एसिडिक प्रोटॉन है। क्योंकि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे क्रिएट होगा निगेटिव चार्ज। ये पाई, ये जो सिग्मा बाउंड होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे आपका क्रिएट होगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका, ठीक है, ये आपका कोई था, एक ऐसा कंपाउंड है ये आपका, यहाँ पे ये एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का यूज किया गया है इनोलेट के जनरेशन के लिए। तो आपका यहाँ पे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा और ये जो आपका क्या होगा, अगर मैं इस इनोलेट को यहाँ पे आपका जब रिजोनेंस करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मैं इस कंपाउंड को, ये जो आपका इनोलेट है, ये इनोलेट आपका कैसा काम कर सकता है, ये इनोलेट आपका माइकल डोनर के तौर पे काम कर सकता है। और अगर मैं इस कम ये जो आपका इनोलेट बना है, अगर इस इनोलेट का मैं एडिशन करवा दूं किसके साथ में, एक आपका कुछ इस तरीके का आपका, मान लो किसी वजह से आपका कोई कंपाउंड इस तरीके का है, ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या होगा आपका, जब रिजोनेंस, जब कॉन्जुगेशन में आएगा इस पाई बॉन्ड के साथ में, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और ये निगेटिव चार्ज कहाँ पर अटैक कर देगा, इस सेंटर पर अटैक कर देगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला आपका जो पाई बॉन्ड होगा इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कहने का मतलब है आपका, ये जो आपका इनोलेट था, इस इनोलेट में ये जो कार्बन सेंटर है आपका, ठीक है, ये सेंटर से आप डायरेक्टली क्या अटैच हो गया आपका, ये कार्बन सेंटर हो गया अटैच और यहाँ पे आपका ये आपका CH2 और यहाँ पे ये CH2 हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका OET। अब ये वापिस से जब रिजोनेंस में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे, यहाँ पे आपका अगर ये वापिस से रिजोनेंस में आएगा, अच्छा अगर यहीं पे अगर मैं क्या करूं, इस अब इसको मैं ट्रीट करवा देता हूं, मैं इसको यहां पे ट्रीट करवा देता हूं विथ टीएमएससीएल का मतलब टेट्रा मिथाइल सिलाइल क्लोराइड। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड। और यहाँ पे मैंने बताया था कि जो सिलिकॉन होता है वह सिलिकॉन आपका ऑक्सीजन लवर होता है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यह ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट कर देगा, जिससे यहाँ पे क्लोरीन आपका बाहर निकल जाएगा और आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका सिचुएशन बनेगा और यहाँ पे आपका,
ऑक्सीजन से क्या अटैच हो जाएगा आपका, एक ग्रुप आपका अटैच हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे टीएमएस। क्या बोलेंगे? टीएमएस, टेट्रा मिथाइल सिलाइल आपका अटैच हो जाएगा इस ऑक्सीजन से। अब यहां पे अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो हमारा ये क्या होगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ये दिस इज हम आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें हमने क्या करवाया है, इसमें हमने एक एक्टिव हमने इसमें एक एक्टिव मिथाइल कंपाउंड को एक बेस के साथ ट्रीट करवाया ताकि इनोलेट जनरेट हो, और इस इनोलेट को हमने माई आपका इस तरीके का आपका एक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो कि आपका माइकल एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहा है, इससे हमने इस इनोलेट का एडिशन करवा दिया, आपका एक प्रोडक्ट बना। और आगे चल करके हमने क्या किया, इसको ट्रीट करवा दिया विथ टीएमएससीएल। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये जो टीएमएस है ये आके कहाँ पे अटैच हो गया, इस ऑक्सीजन से अटैच हो गया, ये हमारा बना फाइनल प्रोडक्ट।